1971 के भारत पाक युद्ध विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेना के जवानों द्वारा 1971 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली जा रही है। ये साइकिल रैली सीमावर्ती इलाकों में लोगों को साल 1971 के युद्ध के संस्मरणों से रूबरू करवाने के साथ युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। रविवार को सरहदी धनाव में इस रैली के आगमन पर थार के वीर टीम की प्रेरणा से युवाओं द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया गया। बांग्लादेश की मुक्ति का दिन 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना द्वारा इतिहास में एक स्वर्ण पत्र दिवस के रूप में देखा जाता है। इस ऐतिहासिक घटना के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बाकासर से जालीपा के लिए साइकिल यात्रा के चौथे चरण में सेवानिवृत्त कैप्टन हीर सिंह भाटी बोगरा ब्रिगेड के सैनिकों की साइकिल यात्रा को उन्होंने रवाना किया। इस साइकिल यात्रा ने बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी तय की। साइकिल यात्रा की टीम ने उन क्षेत्रों में यात्रा की जहां साल 1971 में युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी गई थी, जो बाद में सेक्टर के गड्ढा रोड छाछो रण क्षेत्र में आते हैं। साइकिल टीम ने 1971 के युद्ध में बहादुरों द्वारा दिखाई गई अदम्य वीरता और उनके बलिदान के संदेश को सरहद पर बसने वाले लोगों और आम जनता तक फैलाया। इस अवसर पर बाड़मेर की माटी के लाल लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जशोर गाँव में पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आपको बता दें, उन्हें साल 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश की लड़ाई में उनकी महती भूमिका के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 1965 के युद्ध के दौरान शहीद हुए 17 रेलवे कर्मचारियों के सम्मान में गड्ढा रोड शहीद स्मारक पर भी माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा बाड़मेर शहीद स्मारक में 1971 के युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में माल्यार्पण किया गया। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देगी हमारे सैन्य परिवार के इन सदस्यों के लिए। कोणार्क कोर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे सैनिकों द्वारा देश के सम्मान की रक्षा के लिए जाबाजों द्वारा दिए गए परम बलिदानों के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं ये यात्रा सरहदी गांव में स्थानीय युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए लंबा रास्ता तय करती नजर आई।